गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डू वर्ड मीनिंग्स फ्रॉम योर इंग्लिश लिटरेचर बुक लेसन नंबर 4, द बंडल ऑफ स्टिक्स. बट बिफोर डूइंग योर वर्क आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग. टू प्रिवेंट कोरोना वी शुड वॉश और सैनिटाइज अवर हैंड्स. वी शुड maintain social distancing and we should wear mask whenever we go outside. Okay dear students, please keep these rules to prevent corona. Okay, now everybody please take out your English notebooks, write down today's date here, write down lesson number 4, the bundle of sticks on the top line. Today's topic, that is word meaning, on the second line. From the third line you have to start doing your work. The first word is quarreled. Quarreled, quarrelled, quarreled. quarrelled, quarreled. Quarreled means an angry argument, an angry argument. Quarrel means लड़ना झगड़ना, पर मुंह से झगड़ा करना, ठीक है, गुस्से में argument करना. Okay, the second word is ill, ill, ill. Ill means sick, ill means sick. इसका मतलब है बीमार होना, ठीक है. Now the third word is unhappy, 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 unhappy. Unhappy means sad. One who is not happy is called unhappy. Okay, now the fourth word is punch, 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 punch. Punch means to hit somebody, to hit somebody. Punch means किसी को पंच करना, हिट करना, मुक्का मारना. ओके, द फिफ्थ वर्ड इज यूनाइटेड, यूनाइटेड, यू एन आई टी ई डी, यूनाइटेड, यू एन आई टी ई डी, यूनाइटेड. इट मीन्स ज्वाइंड टुगेदर, यूनाइटेड मीन्स ज्वाइंड टुगेदर. किसी भी चीज को इकट्ठा ले आना, साथ मिलकर काम करना, साथ रहना, मिलकर, यूनाइटेड. ओके, नाउ द सिक्स्थ वर्ड इज बंडल, बंडल, बी यू एन डी एल ई, बंडल. बंडल मीन्स थिंग्स टाइड टुगेदर, थिंग्स टाइड टुगेदर. इट मीन्स कि कोई कुछ चीजों को इकट्ठा करके बांध देना, टाइड, टाई का मतलब बांधना. ओके, सामान को इकट्ठा बांध देना, दैट इज कॉल्ड बंडल. नाउ द सेवंथ वर्ड इज अनटाइड, अनटाइड, यू एन टी आई ई डी, अनटाइड. इट मीन्स टू रिमूव अ नॉट, टू रिमूव अ नॉट. इन दिस नॉट के इज साइलेंट. ओके, अनटाइड मीन्स गांठ को खोल देना, फ्री कर देना, किसी चीज को खोल देना. ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ यू हैव टू डू दिस वर्क इन योर इंग्लिश नोटबुक नीटली, नाइसली, एंड यू हैव टू लर्न ऑल दीज वर्ड मीनिंग्स एंड यू हैव टू प्रैक्टिस बाय राइटिंग इन योर प्रैक्टिस नोटबुक. ओके डियर स्टूडेंट्स, बाय नाउ.